अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्तुगरुल गाज़ी में काम करने वाली हूबरू अदाकारा हफ्सा खतून के बारे में। ये कौन है, क्या करती हैं और इनका लाइफस्टाइल क्या है और ये मुसलमान हैं या नहीं, अभी इनकी शादी हुई है या नहीं, आइए इस वीडियो का आगाज करते हैं। लेकिन इससे कबल देखने वाले तमाम सामईन से गुजारिश है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, अर्तुगरुल गाज़ी में काम करने वाली इस अदाकारा का असल नाम बोरसैन अब्दुल्ला है, जो कि 22 जुलाई 1987 को तुर्की के शहर बुर्सा में पैदा हुई। इन्होंने इस्तांबुल से हाई स्कूल की तालीम हासिल की। इन्होंने अपने फनी कैरियर का आगाज 1998 में एक टीवी सीरीज से किया। इन्होंने कई फिल्मों और कई ड्रामों में काम किया, मगर इनको सबसे ज्यादा शोहरत अर्तुगरुल गाज़ी में बापर्दा किरदार अदा करने से हासिल हुई। इनकी मासूमाना एक्टिंग ने सबके दिलों में एक अलग मकाम बनाया। बात करें इनके फिजिकल स्टेट की, तो इनकी हाइट 5 फीट 5 इंच है और इनका वेट 58 किलोग्राम है। इनको आंखों का कलर ब्लू है, जबकि हेयर का कलर ब्राउन है और इस वक्त इनकी एज 34 साल है। अगर बात करें इनकी शादी की, तो इनकी शादी हो चुकी है। इन्होंने 2012 में मराक से शादी की और इनका एक बेटा भी है। और अब बात करते हैं इनके मजहब की, कि ये मुसलमान भी हैं या नहीं। ये मुसलमान है और इनका मजहब इस्लाम है। बात करें इनके हॉबीज की, तो इनकी हॉबीज में ट्रेवलिंग करना, स्विमिंग करना, सिंगिंग करने वगैरह शामिल है। ये तुर्की की सबसे मशहूर अदाकारा है। फल नामी टेलीविजन सीरीज में हेलेना का किरदार अदा करने के लिए मशहूर है। इसने फिल्मों में भी अदाकारी की, जिसमें एस केपी को फिनेसिम एडम मेसन्स वगैरह शामिल हैं। 1998 में अदाकार ओए बाबा नामी टीवी शो में लामिया के इब्तदाई किरदारों में मशहूर हैं। वो अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट, खास तौर पर इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी सरगर्म है। अगर इनकी नेटवर्थ इनकम के बारे में बात करें, तो इनकी नेटवर्थ इनकम 5 मिलियन डॉलर्स है। सीन अब्दुल्ला ने तुर्की की तारीख टेलीविजन सीरीज अदरिलिस अर्तुगरुल नमूदार होने के बाद सबकी तवज्जो मशगूल कर ली। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।